एशिया कप सुपर फोर का पांचवा मुकाबला 14 सितंबर को पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही टीमों को पिछले मुकाबले में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा और दोनों टीमों के लिए ये मैच करो या मरो वाला है। ऐसे में दोनों टीमें इस मुकाबले को हर हाल में जीतना चाहेंगी और जो भी जीतेगा वो एशिया कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगा। पाकिस्तान ने श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। श्रीलंका के खिलाफ इस मुकाबले में पाकिस्तान की टीम 5 बदलाव के साथ उतरेगी। सलमान अली आगा, फखर जमान, नसीम शाह, हारिस राउफ और फहीम इस मैच में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं है। नसीम शाह चोट के कारण एशिया कप से बाहर हो चुके हैं। वो भारत के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हो गए थे। उनकी जगह जमान खान को टीम में शामिल किया गया है। इस अहम मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी प्लेइंग 11 में तेज गेंदबाज मोहम्मद वसीम जूनियर, ओपनर मोहम्मद हारिस, मिडल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील, तेज गेंदबाज जमान खान और ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज को शामिल किया है। पाकिस्तान एशिया कप के फाइनल में जगह बनाना चाहता है। ऐसे में उसे हर हाल में श्रीलंका के खिलाफ ये मुकाबला जीतना होगा। पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारत ने अपने 2 में से 2 मैचों को जीतकर फाइनल में एंट्री मार ली है। वहीं बांग्लादेश की टीम फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। बचे पाकिस्तान और श्रीलंका, दोनों टीमों ने 2-2 मैच खेले हैं जिनमें से उन्हें 1 मैच में जीत और 1 मैच में हार मिली है। लेकिन अच्छे नेट रन रेट की वजह से श्रीलंकाई दूसरे स्थान पर पॉइंट्स टेबल में मौजूद हैं। ऐसे में यह मैच बारिश के कारण अगर रद्द होता है तो दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया जाएगा और श्रीलंकाई टीम अच्छे नेट रेट की वजह से फाइनल में क्वालिफाई कर जाएगी। श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11, मोहम्मद हारिस, इमाम उल हक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील, इफ्तकार अहमद, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, शाहीन शाह अफरीदी और जमान खान हैं।